भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। प्रदेश के निर्माण कार्यों में होने वाली धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला बलिया के बैरिया तहसील का है, जहां बना राम बालक पहुंच मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहां किसानों को पुल के अप्रोच मार्ग के लिए होने वाले भुगतान में धांधली की गई है। लोगों का आरोप है कि जिन किसानों की ज़मीनें ली गई हैं उसके बजाय उन लोगों को भुगतान किया गया है जिन किसानों की ज़मीनें पहुँच मार्ग से 1 किलोमीटर दूर हैं। कहाँ के रहने वाले? सूर्यमठ। अच्छा, प्रकरण ये है सर कि हमारे पिताजी का भूमि है, पिताजी की भूमि का ये लोग 26 एयर का ये रजिस्ट्री कराए, और जबकि हमारी किस बात का राम बालक बाबा पुल में जो पहुँच मार्ग बन रहा है उसमें, तो ये लोग गांव के कुछ साजिशकर्ता और लेखपाल मिल करके पिताजी का हमारा रकबा कम बना करके अपना पैसा उठा लिए। ये राम बालक बाबा सेतु का जो है क्या मामला है और क्या प्रकरण है? मामला देखें, निश्चित रूप से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। कहाँ पे? ये मौजा सुरेमनपुर, और वह जो राम बालक बाबा जो पुल पहुंच मार्ग है जो शासन के अनुशंसाएं थी कि वहां पुल बनना चाहिए, और जिन लोगों को जो है भूमि अधिग्रहित करके और जो रिपोर्ट देनी चाहिए वो नहीं हुआ, बिल्कुल विधिवत तरीके से हुआ, और उसमें जब जांच जब आई तो जिन काश्तकारों को सही तरीके से जमीन जो ली गई उनको मुआवजा नहीं मिला। संबंध में संबंध SDM बेरिया के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ था, इसमें हम लोग जाँच कराएंगे और जिले से किसी अधिकारी को भेज के जाँच कराएंगे, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिसकी जमीन ली गई है परियोजना का कार्य कराने के लिए उसी को मुआवजा मिले, किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा न मिले जैसे की शिकायत है। किसानों का आरोप है कि सर जो जमीन पड़ी है उनको न देकर किसी विशेष मतलब लोगों को जो फायदे प्रयोग करके 1 किलोमीटर दूर है जो पुल के उनका कोई हिस्सा ही नहीं पड़ता है उनको लाभ दिया गया है जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा मिली। तो मेरे सामने चूंकि इस तरह की शिकायत किसी ने आकर के तो नहीं कही, और आप लोगों के माध्यम से मुझे इस समस्या के बारे में पता लग रहा है।